प्रणाम, मैं शंकर लाल परमार जड़ी बूटी ज्ञान में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम आपका परिचय करवा रहे हैं शीशम के पेड़ से। यह शीशम का पेड़ बहुत ही शीतल है एवं इसकी छांव बहुत अच्छी रहती हैं। रोड के किनारे, शासकीय भवनों के आसपास इस पेड़ को अधिकतर लगाया जाता है ठंडी छांव के लिए। बहुत ही शीतल यह पेड़ है एवं औषधीय गुणों से भरपूर। तो आइए आज हम जानते हैं हमारी माताओं बहनों के लिए स्तनगांठ, स्तन कैंसर जैसे भयानक रोगों के बारे में। हमारी माताओं बहनों के स्तन में गांठ हो जाती हैं और समय पर उसका इलाज न होने के कारण वह भयानक रूप ले लेती हैं और स्तन कैंसर के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। आप किस प्रकार से उस छोटी सी गठान को ही जड़ से ख़त्म कर दें, वह कैसे अंदर ही अपने आप गल जाएं, इसके लिए हम आपको बता रहे हैं। यह शीशम की आप पत्तियां देख रहे हैं, ये इसकी सुंदर सुंदर पत्तियां हैं। आप इन पत्तियों का पेस्ट बना लीजिए और जिस स्तन में भी आपके गांठ हैं उस स्तन के ऊपर इनकी पत्तियों का आप नियमित रूप से लेप लगाइए। स्तन के अंदर गांठ कितनी भी बड़ी होगी, धीरे धीरे करके वह गल जाएगी एवं आप स्वस्थ हो जाएंगे। हमारी माताओं बहनें जिनके स्तन में दूध नहीं आ रहा है, उसके लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण औषधि है। आप इनकी शीशम की पत्तियों को हल्का सा घी में सेक लीजिए और अपने स्तनों के ऊपर इन्हें बांध दीजिए। यह बांधने मात्र से आपके स्तनों में प्रचुर मात्रा में दूध आने लगेगा और यह आपके स्तन की सुंदरता को बढ़ाएगा। आप कुछ दिनों तक नियमित रूप से इन पत्तियों को घी में सेक कर अपने स्तनों पर बांधिए। कम दूध आना और डिलीवरी के बाद स्तन में दूध नहीं उतरना, यह एक आम समस्या है। इन समस्या के निदान के लिए यह शीशम का पेड़ एक वरदान है। यह आपके स्तन की सुंदरता बढ़ाएगा, आपके स्तन में दूध बढ़ाएगा और आपके स्तन की गांठ को गला देगा अंदर ही। यह बहुत ही उपयोगी पेड़ हैं। आप इसका अधिक से अधिक प्रयोग करें। यह प्रयोग निरापद है, इससे कोई हानि नहीं होती है और वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।